One thing that you need to know is the value of your mindset. How you how you look at things, what is your perspective, is very important at this point in life. Okay. Okay. Clear? Okay. So what is what do we mean by perspective? Means now your neat PG is done, the results are awaited. Let's try to imagine a scenario. Your neat PG hoogia result. Okay. नाउ अब क्या होता है नाउ वेन यू लुक एट दिस सिचुएशन द स्टूडेंट्स विल लुक एट इट टू वेज एक कह रहा है सर अभी रिजल्ट आया नहीं है बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड सो आई कैनॉट प्रिपेयर फॉर आई एन आई सी टी बिकॉज आई डोंट अ चांस आर नॉट बट दॉब्लम इज इफ यू थिंक लाइक दैट देन यू डोंट स्टैंड अ चांस टू गेट इन टू आई एन आई सीटी वी नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीजिएटली डू यू एग्री वी हैव टू वर्क विद अ विनिंग we have to work with a winning assumption i will explain to you what do i mean by winning assumption and what is the importance of winning assumption in our competitive world now imagine now listen to me everybody two people are playing tennis tennis okay two people are playing tennis okay or badminton two people are playing badminton tennis okay what is the what is the probability that one of them will win फिफ्टी परसेंट ए विल विन फिफ्टी परसेंट बी विल विन ओके भाई कितना चांस है कि एक जीतेगा फिफ्टी परसेंट दूसरे के कितना चांस है वन बाय टू वन बाय टू चांस है दोनों का जीतने का ओके बट ट्रस्ट मी दिस इज हाउ लूजर्स थिंक दिस इज नॉट हाउ स्पोर्ट्स मैन थिंक अगर ऐसे सोचेगा तो कभी गेम ही नहीं खेल पाएगा वन सर आधे लोग तो हार जाते हैं खेलने का क्या फायदा है मैं क्रिकेट के, मैं बैडमिंटन खेलूंगा ही नहीं मैं तो हमेशा आधा हार ही जाऊंगा फिफ्टी परसेंट चांसेज है हारने के यू अंडरस्टैंड यू विल नेवर प्ले द गेम इफ यू थिंक लाइक दिस सो दिस इज थिंकिंग ऑफ एनालिटिक्स एंड क्रिटिक्स हु डो नॉट नो हाउ टू प्ले द गेम द विनर्स दे प्ले विद विनिंग एजशन ना दिस मैन हु गुड स्टेट्समैन वुल से हंड्रेड परसेंट मै जीतेगा ये बोलेगा हंड्रेड परसेंट मै जीतेगा ओके नो दैट इज द की हेयर दैट इज द की हेयर if you do not 100% assume that you are going to win you will not be able to put in 100% of the force and that is why people with winning assumption have an advantage that they are so optimistic about the outcome that they are able to put in more effort i will explain to you now imagine now suppose a sportsman na is ye thinker hota. जितने थिंकर हैं वो सब कमेंट्री दे रहे हैं वो असली में खेलते हैं नहीं है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंकर्स आर कमेंट्री पीपल दे आर नॉट दी प्लेयर्स वो असली में नहीं खेल रहे हैं ओके okay? जैसे मतलब आई कीप टेलिंग पीपल दैट एवरीबडी नोज दैट वट वट आई शुड बी डूइंग इन माई बिजनेस वट आई शुड बी डूइंग वन आई एम यू नो टीचिंग बट वट दे डोंट नो इज दट यू नो गिविंग कमेंट्री आई एम द वन हु इज डूइंग इट सो जो कर रहा है उसको पता है हमने सोचने वाला नहीं बनना हमने करने वाला बनना है ट्राई टू इमेजिन ये सोचने वाला हो सोचने वाला कह रहा है यार फिफ्टी फिफ्टी है जीतूंगा कि नहीं यार अब पता नहीं मेहनत करूंगा तो जीतूंगा या नहीं पता नहीं यार मेहनत करूँगी पता चले मेहनत करी फिर भी हार गया हो ये सोचता ही रह जाएगा और इतना सारा सोचने से इतना सारा नेगेटिव आ जाएगा उसके अंदर और सारी एनर्जी सक हो जाएगी वाइल दिस मैन विद हंड्रेड परसेंट विनिंग एजम्पन यू मे कॉल एम डम्प यू मे से कि उसको पता नहीं है स्ट्रेटेजी लेकिन उसको सीखना नहीं है उसको कमेंट्री वाला नहीं बनना उससे थिंकर नहीं बनना ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डूअर अ डूअर पीपल हु डू इन लाइफ जो काम कर रहे हैं वो बोलेगा हंड्रेड मैच जीतेगा ओके डू यू एग्री टू माई पॉइंट डू यू एग्री डू यू नाउ अंडरस्टैंड वॉट यू नीड टू डू सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट इज वॉटर मे हैव हैपंड इन पास्ट वॉट एवर मे हैव हैपन्ड इन पास्ट इज ओवर ओके जो पहले था वो हो चुका है अब उसका क्या करेंगे वो तो कुछ कर ही नहीं सकते वी कैनॉट रोल बैक क्लॉक वी कैनॉट गो बैक इन टाइम अंटेर वी इन्वेंट अ टाइम मशीन देन यू कैन गो बैक इन टू फ्यूचर ऑल्सो एंड सी पेपर एंड कम बैक अभी तो वो चांसेस नहीं है सो वी नो वट एवर इज हैप इन द पास्ट इज ओवर वी कैनॉट रोल बैक क्लॉक बट वी कैन क्रिएट फ्यूचर

है ना वो वो वाला फोर्स से बात नहीं बनती है एंड दिस व्हाट आई टोटली एग्री एंड आई टोटली बिलीव दैट आई सी मेनी पीपल वो इफ एंड बट करते रहेंगे सर इफ आई स्टडी विल आई गेट इट सर इफ आई स्टडी विल आई गेट इट सर माय लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था अभी होगा कि इतना सोचेंगे तो नहीं जीत पाएंगे जीतना है तो बस दो ही बातें सोच लिया तो करेंगे मैं जीतेगा मैं खेलेगा मैं करेगा बस उसमें ये इफ एंड बट नहीं है इफ एन बट सोचते रहने में होता क्या है पे दो महीने होते हैं तीस दिन आप इफ एंड बट करते रहोगे होगा नहीं होगा सर करूं ना करूं पढूं ना पढूं तब तक बस ही निकल जाएगी डू एग्री टू नहीं डू एग्री टू माई पॉइंट ऑफ नॉट आई हैव सीन इन माई लाइफ सो मैनी पीपल वो आर स्टैंडिंग ऑन दी बस स्टैंड थिंकिंग कि चढ़ूं कि ना चढ़ूं चढ़ूं कि ना चढ़ूं बस ही चली जाती है अरे भाई इतना थोड़ी सोचना है सर चढ़ा तो पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा सर पढ़ूंगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा

ये डूअर है ये तो कह रहा है मैं करेगा ये थिंकर है बहुत सारे थिंकर है बुद्धिजीवी बहुत सारे ओके ओवर थिंकिंग ओवर ओवर एनालिसिस ओवर एनालिसिस बट पैरालिसिस देर इज पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग जस्ट थिंकिंग कर रहे हैं वो सारे दिन सोच रहे हैं कि ओके सो दिंकर आर स्टॉपिंग द डूअर्स बाय टेलिंग देम अरे पता है तुझे इतनी कम सीटें होगा ही नहीं दो महीने पढ़ के क्या करेगा डूअर कह रहा है दो महीने और क्या करूंगा इससे अच्छा पढ़ ही लेता हूं

Doer is able to create a vision and say, okay, I, you will, you know, like, for example, if you think, to, and maybe a few years later, you will become a great uh, transplant surgeon, you will be doing kidney transplants. So he's able to draw a blurred picture of his future, and he is able to draw out a path. In his path, he is able to fit in like, okay, if I do my MS from Ames, it is likely that I'll be, you know, exposed to more transplant surgeries than somebody who's doing from a peripheral medical college. So he's able to build up a vision for future, a blurred vision for future. He's able to see the path and then he goes on the path with faith. And that faith is a winning assumption. your faith, is, उसको फेथ है कि नहीं यार यहां तक आया हूं तो कोई पर्पस होगा मेरे को अगर सपना मिला इफ आई वाज गिवन अ ड्रीम आई वाज आल्सो गिवन द मींस ये सब वो बातों के साथ अजम्पन के साथ विनिंग के साथ आगे बढ़ता है नाउ थिंकर्स व्हाट इज इज हैपनिंग थिंकर इट इज गुड टू बी अ थिंकर बट द दॉब्लम ओवर थिंकिंग इज दैट दीज वेन यू बिकम ओवर थिंकर वट विल हैपन यू विल डू इफ फॉर फिफ्टीन डेज बट फॉर अनदर फिफ्टीन डेज देन यू विल थिंक अबाउट ऑल दी नेगेटिव आउटकम्स दैट कैन हैपन क्या क्या गलत हो सकता है पेपर वाले दिन पे वो सब सोचेगा कि बस निकल गई तो क्या होगा एग्जाम वाले दिन पहुंचा ही नहीं तो क्या होगा बारिश होगी तो क्या होगा लॉकडाउन होगी तो क्या होगा ये सब सोचता रहेगा फॉर्म भरने से क्या होगा Let's गो हैड एंड डू इट यार तो क्यों सोच रहा है इतना है ना सो द की हेयर इज ऑल दो यू नो इन योर एंटायर ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम यू हैव बीन टॉट टू बिकम अ थिंकर एंड आई डोंट डिनाई दैट बट At the times where you seek to become a high achiever, you have to become a doer. You have to somehow match your words to the work that you're doing. badi baatein karne se success nahi aayega bada kaam karke aayega We need to match the words and work, है ना? ऐसे नहीं बात बनेगी ना. दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा. करते हैं, है ना? So let's move forward with faith and assumption and a winning assumption. आप ही जीतोगे हंड्रेड परसेंट आप जीतोगे सर कंपटीशन तो इतना है कंपटीशन तो जिंदगी में हर उस चीज के लिए है जो हाई अचीवमेंट जोन में मानी जा सकती है कोई भी चीज कोई भी चीज अगर हम उसको डेफिनेशन में हाई अचीवमेंट मानते हैं तो वहां कॉम्पिटिशन जरूर होगा ओके okay. और अगर वो एवरेज चीज होगी तो आसानी से मिल रही होगी आसानी से मिल रही होगी तो आप भी नहीं चाहेंगे उसे लेना ओके डू यू एग्री कि नहीं हर वो चीज जो पाने के काबिल होगी उसको पाने के लिए थोड़ा तो कंपटीशन लड़ना ही पड़ेगा यही जिंदगी का नियम भी है सो so, कंपटीशन से नहीं डर सकते सर देर इज टू मच कॉम्पिटिशन कोई बात नहीं आप उनको नहीं देखना आपने अपने आप को देखना है यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑन नॉट सर सर इवन दे आर स्टडिंग सर दे आर स्टडिंग सम छोड़ना यार जो भी उन्होंने करना है करने दे आपने फिर भी करके दिखाना है सो द दायर आइडिया हेयर अगर आप में दम है अगर दम है तो करके दिखाएंगे लगते हैं ना यार लगते हैं शुरू करते हैं सोचना बंद करेंगे यहां पे इफ एंड बट में बहुत टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि दो ही महीने नाउ द की इज इज दिस द की डिटर्मिनेंट दैट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड टूडे बिटवीन टूडे और बिटवीन योर नीट पी जी एग्जाम एंड आई एन आई सी टी यू हैव दिस टाइम यू हैव अराउंड टू मंथ्स

उट सचिन कहता है बॉल खेली नहीं उन्हें क्या पता कैसे खेलना चाहिए वो तो बताते रहेंगे जो उसको मैदान में जाएगा जो बॉल को सामने जब फुल स्पीड में बॉल आ रही होगी तब समझ आएगा खेलना कैसे चाहिए था यू नो इस यू नो यू हैव टू बिकम अ डूअर यू आर यू अ प्लेयर इन योर लाइफ आर यू अ क्रिटिक ऑफ योर लाइफ मेक अ कॉल नॉट अ क्रिटिक यू आर नॉट अ थिंकर डूअर काम करने वाले बनते हैं सब हो जाएगा यार एवरी थिंग इज पॉसिबल आई एम ट्रूली अश्योर यू इफ यू वर्क हार्ड एनअ विद स्ट्रैटेजी विद अ प्लान इंड माइंड विद अ ब्लर्ड पिक्चर ऑफ फ्यूचर विजन जो आप सोच रहे हो सब कर पाओगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दैट नोट इट वॉज माई प्लेस